आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 35 खबरों की। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस ले वापस। बीएसएफ ने गुजरात के भुज में 6 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार, 11 नौकाएं जब्त की गई। बजट सत्र का पहला चरण समाप्त, लोकसभा में 121% रही उत्पादकता। कर्नाटक में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेज 16 फरवरी तक बंद, पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश। नमामि गंगे की 50% परियोजनाएं पूरी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन में निजी क्षेत्र की रहेगी सहभागिता। बीजेपी के साथ ही अखिलेश पर भी हमलावर रहे ओवैसी, बोले उनके साथ नाइंसाफी हुई। हिजाब विवाद में हिंदू महासभा की एंट्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग। कांग्रेस ने जारी की 3 और उम्मीदवारों की सूची, मुबारकपुर से प्रवीण मंडे को दिया टिकट। अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले बैलेट पेपर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यूपी में सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल, अब नहीं चलेगी ऑनलाइन क्लासेस। मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास में नहीं पहुंचा जाकिर नाइक, न्यायाधिकरण ने दिया पेश होने का आदेश। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात दोहराई गई। विंटर ओलंपिक्स गेम्स के बीच में कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, बाइडेन ने दी चेतावनी। अभी खत्म नहीं हुई महामारी, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने किया अलर्ट। एक साल के भीतर सऊदी अरब से लिया कर्ज लौटाएगा पाकिस्तान। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, भारत ने पहली बार वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोट के चलते टी20 सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल और अक्षय पटेल। अस्सी रन की धमाकेदार पारी के बाद भी खुश नहीं श्रेयस, बोले मैं खराब शॉट खेलकर आउट हो गया। सुरेश रैना समेत यूपी के 3 सितारों पर लखनऊ टीम की नीलामी में रहेगी नजर। केकेआर है 48 करोड़ के साथ तैयार, पहली बार नीलामी में उतरेंगे लखनऊ के नवाब। सामने आया रणबीर कपूर की शमशेरा का टीजर, संजय दत्त और वाणी का फिल्म 22 जुलाई को होगी रिलीज। हिजाब पर आया सोनम कपूर का रिएक्शन, कहा अगर पगड़ी एक पसंद हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में मौजूद नहीं रहेंगी प्रीति जिंटा।
राकेश बापट ने खरीदी 80 लाख रुपए की नई ऑडी Q7। फौजी के किरदार में नजर आएंगे सिम्बा नागपाल, नागिन 6 में होगी एक्टर की एंट्री। मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।